हेलो एवरीवन, आई एम सीए पीयूष गुप्ता। कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सभी स्टूडेंट्स को अपनी क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट आईसीआई की वेबसाइट पे अपलोड करने के रिगार्डिंग। कॉन्टीन्यूसली आपकी अलग अलग रीज़न से, किसी ना किसी रीज़न से क्या हो रहा है, वो रिजेक्ट हो जा रही है। ठीक है, सो ऐसा मतलब आपके साथ कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि सिंगल वीडियो में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक मेल आएगी जिसमें लिखा होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नाम से। ठीक है, उस ईमेल को लिंक, ईमेल को ओपन करेंगे, उसके अंदर लिंक होगा, लिंक को आप क्लिक करना। क्लिक करके आप ऐसी एक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना। यूज़र आईडी में क्या होगा, आपका सीआरओ नंबर होगा @ICI.org, मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है ये, सीआरओ, एनआरओ, एसआरओ, जो भी आपका होगा एज़ पर योर रीज़न। फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको एंटर करना है। ठीक है, अब बात क्या आती है, दो चीज़ें होती हैं, कुछ का पासवर्ड फिक्स्ड हो जाता है, कुछ एरर देता रहता है। फॉरगेट पासवर्ड करना, रिसेट करना एक बार में नहीं होता है, दो बार करना, तीन बार करना, जब तक नहीं होगा यही एक ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड से आप रिसेट कर सकते हो। अदरवाइज एक बार आप ये नीचे न्यू स्टूडेंट रोलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, अगर ऊपर वाला फॉरगेट पासवर्ड से रिसेट नहीं हो रहा है तो यहाँ से जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप रिसेट करने की कोशिश कर सकते हो। मैंने अभी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया है, लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, अभी तक 100% क्लैरिटी ऐसी आईसीए की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या है क्या नहीं। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, सिर्फ आपका ये लिखा है कि अपनी जो मार्कशीट है ना वो अटेस्ट कर दो, यहाँ पे स्कैन कॉपी इसकी अपलोड कर दो। कुछ नहीं लिखा है कि कौन सी वाली मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उस पर साइन करने या नहीं करने। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वो अपलोड करना, मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, अभी बाकी स्टूडेंट्स ने करा है तो उनका अप्रूव हो गया, बाकी आपका लक है कि कितना अप्रूव हो पाता है या नहीं। उसके बाद मैंने क्लिक किया, ठीक है, SSP पे लॉग, ये टाइम लेगा थोड़ा सा लोड होने में। ठीक है, लेट इट लोड। इसमें ना मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से कैसे चेक करोगे अपना स्टेटस। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो स्टेटस ही गलत चेक कर रहे हैं कि वो वेरीफाइड है या नहीं है, उसका क्या स्टेटस है, उसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो एक मिनट देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि एक्टिव स्टेटस आ रहा है, सब कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे आपके साथ। ओके, सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे हैं। आपको क्या करना है, स्टूडेंट साइकिल पर क्लिक करना है, उन चीज़ों को, डिटेल्स को रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया है आपने। मैम एक बार स्टूडेंट ऑलरेडी मार्कशीट अपलोड कर चुके हैं इस पर, ठीक है, इसको क्लोज करना। अब कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले अगर आप मार्कशीट अपलोड कर चुके हो, डेफिनेटली आप तभी इसको वीडियो को देख रहे हो, नहीं करा है तो भी मैं बताता हूँ करा है तो क्या। सबसे पहले अगर अभी तक आपने नहीं करा है, अदर फॉर्म्स पे क्लिक करिए, फॉर्म एडिट फॉर्म पे, प्रोफाइल एडिट फॉर्म पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करिए। इसको लोड होने देना, ये टाइम लेता है। ये मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो, प्रोविजनल आपने रजिस्टर कर चुके होंगे, अब आप फाइनल रजिस्टर कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। हो गया, ये क्लिक हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, वेबसाइट भी ना बस, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स फिल्स करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इसको अवेटेड को क्या करोगे, पास करोगे, ठीक है। मार्क्स जिसको 500 में से मिले वो 500 में से, किसी ने अगर 6 सब्जेक्ट्स अटेंड करे थे आप 600 में से यहाँ पे मार्क अपने फिल करना। मार्क कितने ऑप्टेंड हुए हैं, कितने मार्क्स में से मिले हैं, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी और अपनी यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे। 12th की मार्कशीट जो आपको अपलोड करनी है वो कौन सी करनी है, मैं आपको बताता हूँ, CBSE रिजल्ट्स वाली डाउनलोड करनी है आपको, CBSEresult.com से जो डाउनलोड करिए वो करना। उस पर साइन, कलर प्रिंट आउट लेना, साइन करना, फिर फोटो क्लिक करके प्रॉपर फोटो, मतलब किसी स्कैनर से फोटो अपलोड करना, जो जैसे एडोबी स्कैनर या जो भी आप उस तरह की MS ऑफिस का जो लेंस आता है उससे स्कैन करके फिर यहाँ पे अपलोड कर देना। जब अपलोड कर देंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनका हो रखा है, सो अपलोड कर देंगे, उसके बाद जनरेट OTP करना, OTP एंटर करना, और उसके बाद ध्यान से
ये छुपा हुआ है बिल्कुल, वेबसाइट ऐसी बनी है, लास्ट में जाएंगे आई एग्री करके सबमिट करोगे जब ओटीपी वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। आपका ये फर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस हो चुका है। अब बात आती है जो स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं वो पहले अपना स्टेटस कैसे देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, सबसे पहले क्लिक करना लास्ट वाले पे सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे जाइए प्रोफाइल प्रोफाइल एडिट फॉर्म पे। देखो यहाँ पे अभी दिखा रहा है ना, ये पेंडिंग में है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है और वेरीफाइड बाय वेरीफायर आया, वेरीफाइड हो गया बट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, सो ये पेंडिंग में है, मतलब कोई आपको कुछ नहीं करना है, ये पेंडिंग है। जब तक अभी ओके है ना, एक्सेप्ट हुई है ना, रिजेक्ट हुई है, आईसीआई को करने दो, आराम करो। 7 से 10 दिन से 15 दिन तक लग सकते हैं, कुछ टाइम की अभी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, क्लियर। अभी ये देखना है कि आपकी रिजेक्ट तो नहीं होगी, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस में जाएंगे, फॉर्म एडिट फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अगर रिजेक्टेड होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, रिजेक्टेड हुई, रीज़न भी आएगा क्यों रिजेक्ट हुई है, उसको अपलोड करोगे। नहीं कोई रीज़न आया जैसा मैंने बताया वो करना, मार्कशीट सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोड करना और फिर उसको कलर्ड प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करना, या फिर डिजिटल अगर आपके पास टैबलेट टाइप में कुछ है तो डिजिटली साइन करके उसके ऊपर, मतलब बाय पेन साइन कर सकते हो ना, वैसे साइन करके उसको फिर अपलोड करना, ठीक है, कलर रखना उसको। अगर रिजेक्टेड में भी नहीं आया, पेंडिंग में भी नहीं आया, फिर अप्रूव्ड एप्लीकेशन में जाइए, प्रोफाइल एडिट फॉर्म में जाना, अप्रूव होगी तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना पूरी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। सो ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ से इस तरह से मैनेज करके सारा काम अपना करके चलना है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप अपने आप चेक करोगे, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जैसा बताया वैसा करना है, अदरवाइज इन तीनों में एक एक जाके वेरीफाई करोगे। इसको वेरीफाई करे बिना दोबारा से अपडेट मत कर देना, होगी भी नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है। अगर पेंडिंग में है तो फिर पेंडिंग में, अप्रूव है तो फिर टेंशन ही खत्म, रिजेक्टेड हो गया तो फिर अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है। इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी इतनी रिक्वेस्ट के लिए इस टाइम मैं लेट नाइट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, कि सबको प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और सब तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, सब अपना अपना देखते हैं और चल देते हैं, फिर स्टूडेंट्स की क्वेरीज वहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाकी सबकी हेल्प करना, ओके। सो एक बार सबके लिए ऐसा जरूर करना आप। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।